नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है राष्ट्रीय नेताओं का चुनावी घमासान। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। बीजेपी में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ में सियासी दौरा हो रहा है, वहीं कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने सभाएं जो हैं वो तेज कर दी है। और एक इसी पर छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण की बिसात बिछने लगी है। भाजपा की कमान जहां प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। वहीं लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी की आम सभाओं के साथ ही स्मृति ईरानी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे हो रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव के लिए 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करने की कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस भी प्रदेश में विभिन्न सम्मेलनों व सभाओं के बहाने राष्ट्रीय नेताओं को लगातार आमंत्रित कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दो बार का दौरा हो चुका है। इसके अलावा प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर आ चुकी हैं। वहीं राहुल गांधी राजधानी रायपुर में युवाओं के साथ बड़े सम्मेलन कर चुके हैं। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी की भिलाई में बड़ी सभा होने जा रही है। इसके अलावा टिकट वितरण के लिए बड़ी बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, अजय माकन सहित विभिन्न नेता लगातार रणनीतिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अमित शाह का दुर्ग कार्यक्रम फ्लॉप रहा। आरोप पत्र जारी करते समय खाली हाथ था। जब वह दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आने वाली थी, वहां पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिया। अमित शाह का आना छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। भाई अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसके हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा लगभग 5 वर्षों तक आम जनता के बीच फैलाया गया भ्रम कि भूपेश है तो भरोसा है, चुनाव आ रहा है और सरकार लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गई है। ऐसे समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेता भरोसे का सम्मेलन कर रही है, जनता के बीच में भरोसा ढूंढने की कोशिश कर रही है। आम जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका है। भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगभग 5 वर्षों तक आम जनता के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि भूपेश है तो भरोसा है, और जब चुनाव आ रहा है, लोगों के बीच में ये सरकार जब अलोकप्रिय हो गई है, ऐसे समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम नेता भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, अर्थात जनता के बीच में भरोसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार विभिन्न यात्राओं, जलसों और सभाओं का आयोजन हो रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के कौन सा राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ की जनता पर ज्यादा असरकारक साबित होता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। कांग्रेस नेता मणि वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी नेता के पास चलेंगे, मुकेश शर्मा जी के पास। मुकेश शर्मा जी, अमित शाह का दौरा था दंतेवाड़ा में, उसको लेकर सीएम भूपेश बघेल जी ने तंज कसा है। उनका कहना है कि जिसकी शुरुआत ऐसी उसका हश्र क्या होगा। ये अपने आप को चुनाव में पिछड़ते हुए पा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा निकल रही है भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाने का यात्रा, लोगों को भ्रष्टाचारियों से
मुक्ति दिलाने का यात्रा, ये सब यात्रा निकल रही है। लेकिन मुकेश शर्मा जी, सीएम भूपेश बघेल तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ ही नहीं है। वो घबराहट में चाहे कुछ भी बोले हो, क्योंकि उनके पास में कहने के लिए और करने के लिए कुछ बचा नहीं है, दिखाने के लिए बताने के लिए कुछ बना नहीं है। जवाब क्या देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जवाब नहीं है, जनता के लिए भी जवाब नहीं है। अब जाएंगे तो जनता पूछेगी, ये यात्रा लेके जाएंगे तो जनता पूछेगी कि भैया वो शराबबंदी का क्या हुआ, क्या जवाब देंगे? बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, क्या जवाब देंगे? ये वृद्धावस्था पेंशन की बात होगी, क्या जवाब देंगे? चार सिलेंडर मुफ्त में ग्रामीण को देने की बात किए थे, क्या जवाब देंगे? जब इनके पास में कोई जवाब नहीं है, जब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ते हुए दिख रही है, पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, जनता का पूरा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तो हमारी पहली यात्रा शुरू हुई है, दूसरी यात्रा। मुकेश शर्मा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पिछड़ रही है? अभी से ही मैं आपको बता दूं, इनके अंदर अंतर कला इतने है, चुनाव घोषणा पत्र के जो पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने मना कर दिया, भैया मैं चुनाव घोषणा पत्र का समिति का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। वो नहीं बनूंगा क्योंकि पूरा करते नहीं हो, घोषणा खाली करना है, पूरा करना नहीं है। कई नेता इनके मंत्री तक कहने लगे हैं कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है सोचेंगे। मतलब मुकेश शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की अंतरकला है वो बीजेपी को जिता रही है। कांग्रेस की अंतरकला है, चुनाव में पिछड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। लोगों का आशीर्वाद है, लोगों को दिख रहा है कि हमारे साथ छलावा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा की नजर से जनता देख रही है, तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है, उनको लग रहा है कि हम चुनाव में पिछड़ गए। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप यदि किया जाता है तो उसका अर्थ ही यही होता है कि कुछ भी बिना सर पैर की बात करें तो उसका अर्थ यही होता है कि अब उनको अपना हार नजदीक दिखने लगा है। ठीक है, मतलब आपने पहले से भविष्यवाणी कर दी है। बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, विश्वास खो दिया है, इसलिए घूम घूम के विश्वास। लेकिन मुकेश शर्मा जी, लेकिन जो जनता है वो तो यही कहती है, भूपेश है तो भरोसा है, कक्का है तो भरोसा है। मैं बताऊं आपको जनता क्या कह रही है, बदलबो बदलबो ये तारी ये सरकार ना बदलबो, छत्तीसगढ़ में ये सरकार ना बदलबो, ये कह रही है जनता। भरोसा तो उड़ गया, खत्म हो गया भरोसा, तभी भरोसे का सम्मेलन करवा रहे। अरे भरोसा है तो फिर सम्मेलन की क्या जरूरत? ठीक है, जनता के तरफ से जब आवाज निकल रही है बदलबो बदलबो ये दारी ये सरकार ला बदलबो, तब इनको कहीं ना कहीं अपने पिछड़ने का आभास हो रहा है और पार्टी के लोग हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से, कदमों से। ठीक है, मणि वैष्णव जी के पास चलेंगे। मणि वैष्णव जी, मुकेश शर्मा जी बोल रहे हैं बदलबो बदलबो सरकार ला बदलबो, क्या ऐसा लग रहा है जनता चाह रही है? क्योंकि वो कह रही है, मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम नेता भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं क्योंकि भरोसा बचा ही नहीं है सीएम भूपेश बघेल पर। देखिए, जनता तो वो चाह रही है कविता जी, जो आपने कहा, भूपेश है तो भरोसा है, काका है तो भरोसा है, जनता ये बोल रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि बदलबो बदलबो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक शिगुफा है और इस पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? हमारे जो नेता आते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जब आता है तो वो बात करते हैं विकास की, वो बात करते हैं कि हमने ये काम किया है इस कारण आप हमको वोट दीजिए, हमने ये काम किया है, हमने आत्मनिर्भर स्कूल खोला है, हमने धनवंतरी योजना शुरू की है, हमने कर्ज माफी की है, हमने किसानों को समर्थन मूल्य से धान खरीदी हम कर रहे हैं, तो वो अपने विकास की बातें करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो या तो जनता को अपमानित करते हैं या तो झूठ बोलते हैं। अमित शाह पिछली बार जो है चुनाव में आए थे तो जो महिलाएं हैं, मुकेश शर्मा जी आपका समय नहीं है, मुकेश शर्मा जी बराबर टाइम मिला आपको, ये स्थिति इतना बड़ा अपमान इन्होंने किया था, इतना बड़ा अपमान इन्होंने किया था। और मैं आपको बता दूं, व्याकुल मत होइए मुकेश शर्मा जी, व्याकुल मत होइए,
दुखती रख पर हाथ रख दिया है मैंने, मुझे पता है, लेकिन व्याकुल मत होइए आप। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के इनके नेता आते हैं तो यहाँ झूठ बोलते हैं। हाल ही में मोदी जी आए, उन्होंने मन से खुले मन से कह दिया कि इन्होंने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री ने कह दिया। और जो 15 लाख वाला झूठ है वो छत्तीसगढ़ में ही कहा गया था, बस्तर में कहा गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, मैं आपको बता दूं। तो इनके जो नेता आते हैं झूठ बोलते हैं, अपमानित करते हैं, तो इनके नेता जो भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में आकर वो अप्रासंगिक हो जाता है, उस पर कोई भरोसा जनता नहीं करती है और उल्टा उनकी बातों को खारिज करती है। मुकेश शर्मा जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि हम जीतेंगे, बदलेगी सरकार, ये सब बातें सिर्फ टीवी में बोल सकते हैं, अखबारों में बयान दे सकते हैं, जनता के बीच जब जाते हैं और इस प्रकार की बातें करते हैं जनता इन्हें सिरे से खारिज कर देती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था विजय बघेल जी का, पाटन विधानसभा मुख्यमंत्री जी का विधानसभा, वहां से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वो जनता के बीच जब गए तो जनता ने उन्हें कहा कि 15 साल के शासनकाल में हमें मिला क्या, जो मिला हमें 4.5 साल 5 साल में मिला भूपेश सरकार में। तो ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं हर जगह हो रही है, कहीं वीडियो आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है। तो जनता के बीच जाते हैं तो इन्हें खारिज कर दिया जाता है और ये चैनलों में आकर चिल्लाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और अंतर कलह की बात कर रहे थे, प्रत्याशी घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में और भाजपा के नेताओं में इतना बड़ा अंतर कलह पैदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के बीच कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। एक तरफ ओम माथुर कहते हैं कि हमने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, 69 की करना बाकी है, बहुत जल्द 69। लेकिन मुकेश जी तो अभी से ही जीत का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं कि नीलकंठ एकाम को हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। ये पूरा जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो है लगातार मुगालते में रहे, बुलावे में रहे, अच्छी बात है, चुनाव तक बुलावे में रहे, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने तो काम किया है, हमने जो काम किया है उसके दम पर हम चुनाव में उतर रहे हैं और ये सांप्रदायिकता झूठ और इसके दम पर चुनाव में उतर रहे हैं। और निश्चित तौर पर विजय हमारी होनी है क्योंकि हमने काम किया है। जब प्रत्येक जनता प्रत्येक वर्ग महसूस कर रहा है कि उनके लिए काम हुआ है तो कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ेंगे और ये दमनकारी भाजपा का हाथ क्यों पकड़ेंगे। 15 साल केवल दमन तो किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भूलावे में रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव तक रहे, अच्छी बात है, हमें खुशी है। ठीक है, पीसी दर्जी के पास चलेंगे। पीसी दर्जी, क्या लगता है कि जनता पर कितना असर पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व का, क्योंकि दोनों पार्टियों की बात करें राष्ट्रीय नेता जो है वो पहुंच रहे हैं। जी, न केवल दोनों पार्टियों के बल्कि और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई और दूसरे दल हैं, उसके भी नेताओं का ये चुनावी सफर शुरू हो गया है। चुनाव लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा त्योहार, वोट का मौसम आ गया है और वोट के लुटेरे आने लगे हैं अलग अलग भेष बदल के। तो जनता के पास दोनों तीनों तरह के अपने अपने हैं, अलग अलग भेष बदल के, तो जनता के पास दोनों तीनों तरह के अपने अपने फीडबैक होते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो मूल मुद्दे रहे हैं, जो आरक्षण का मुद्दा रहा है, आदिवासी आरक्षण का विधेयक अटका हुआ है, जो उसको लेकर के ओबीसी आरक्षण के लोग जो आशान्वित थे पिछले उपचुनाव के समय से, जो लोगों ने राज्यपाल के पास वो मैटर अटका हुआ है तो उसको लेकर के जो नाराजगी है, आदिवासी समाज की उपेक्षा को लेकर के जो नाराजगी है, और तमाम सारे जो जैसे बेरोजगारी भत्ता वो अंतिम क्षणों में सरकार ने घोषित किया और जो चीज 5 साल पहले के वादे का था वो अपना कार्यकाल खत्म होने के ठीक 5-6 महीने पहले ही सरकार ने घोषणा की उसकी, तो इस तरह से जो वायदों को लेकर के जो निराशा है उसको लेकर के लोग अपना अपना तर्क रखेंगे। अब ये सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के माहौल कैसा है, किसके पक्ष में है, क्या है, क्योंकि जो सरकार का जो फोकस रहा है, जो भूपेश बघेल सरकार का, वो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के ज्यादा रहा है और ये माना जाता है कि शहरी क्षेत्र के लोग ज्यादा जागरूक होते हैं और शहरी क्षेत्र के लोगों के मुद्दे अलग होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, शहरी क्षेत्रों में रोजगार की ज्यादा समस्या थी, तो शहरी रोजगार की जो नई नीतियां हैं, नए जो स्कीम है, उनको आने आने में टाइम लग गया और वो चीजें ठीक ढंग से शहरी इलाकों में फलीभूत नहीं हुई है, जिसका लोगों में आक्रोश दिखता है कहीं कहीं। और इस तरह से जो चीजें हैं वो चुनाव तक के और डेवलप होंगी। अभी अब चुनाव बिल्कुल सामने है, 2 महीने की बात है, 2 महीने में ये राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय नेता आ करके कितना कुछ समीकरण चेंज कर पाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि मूल मुद्दे तो जनता और किसान जो है वो अपना अपना लेकर के बैठे हुए हैं पहले से, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा
चीजों को वो बदल पाएंगे, राष्ट्रीय नेताओं के दौरे चीजों को बदल नहीं पाएंगे। जो मूल सच्चाइयां हैं छत्तीसगढ़ की वो रहेंगी। इन्होंने 15 साल तक भाजपा का शासन देखा है रमन सिंह के नेतृत्व में, भूपेश बघेल का 5 साल का शासन वो देख रहे हैं, तो उनको फर्क समझ में आ रहा है कि कैसा क्या है, किसमें क्या पॉजिटिव है, किसमें क्या निगेटिव है। और आज जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत सारी चीजों को अपने आप जाहिर करता है, लोग जागरूक होते हैं, तो सीधे सीधे किसी के भाषण से या बुलावे से लोग आसानी से नहीं फंसते हैं। तो इसलिए ये माना जा सकता है कि बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दे करके एक माहौल बनाने की कोशिश दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास क्या है वो जनता जब वोट देगी तभी पता चलेगा। इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रदेश में माहौल बदल रहे हैं बड़े नेता आकर के, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। एक्चुअल में उनके प्रवास हैं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहनी है और अपने अपने दावे करने हैं, लेकिन असल में छत्तीसगढ़ में क्या है ये बदलाव जो है वो ग्रामीण छत्तीसगढ़ से ही पता चलेगा, ये स्थिति दिखाई दे रही है। जी मुकेश शर्मा जी, मणि वैष्णव जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुगालते में है। देखिए कहीं ना कहीं मणि वैष्णव जी बोल रहे थे कि झूठ, तो मैं बोलता हूँ इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप 1 करोड़ महिलाओं से वोट लेंगे, शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी कहाँ है भाई, ये बात करेंगे नहीं, ये जवाब देंगे नहीं, ये फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता आ रहे हैं, कौन? अरे हमने दम था तो हमने वादा किया, आपने तो दम भी नहीं था कभी, और आपने तो 5,000 करोड़ तक पहुंचाया 300 करोड़ के राजस्व को। आप क्या शराबबंदी की बात करते हैं, और कुछ दिन पहले आपकी नेत्री सरोज पांडे कह रही थी कि हमने न कभी शराबबंदी की बात की, आगे चलेंगे, दम तो है, मणि वैष्णव जी बात कह तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, मणि वैष्णव जी आपका टाइम नहीं है, दम भी नहीं है, साहस नहीं है आपके अंदर। मणि वैष्णव जी प्लीज, बताना पड़ेगा उन युवाओं को, उन युवाओं को बताइए आप बेरोजगारी भत्ता देने के लिए कितने सारे कंडीशन लगाए हैं, 20 लाख में से 1 लाख लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता दिए ना, वो भी चुनाव के 3 महीना पहले, 3 महीना पहले आप लोगों को क्या करना, तो आप क्या चाहते हैं जो अयोग्य और फर्जी लोग हैं उनको भी बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, आप लोग घुसा रहे हैं अयोग्य फर्जी लोगों को, योग्य होगा उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और संतुष्ट है। आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आप चाहते थे कि जो अयोग्य लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, मुकेश जी कांग्रेस ये तो कह रही है कि दो वादे छोड़कर हमने सारे वादे पूरे किए हैं। मुकेश जी इनको थोड़ा अपने भाषा में संयम रखना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को फर्जी कहने का हक किसने दिया, इनको किसने हक दिया इनको फर्जी कहने का, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देते नहीं है। अरे आपके भाजपा नेताओं के फर्जी जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, हमारे जो युवा हैं उनको फर्जी मैं नहीं कर रहा हूँ, और आप जो है इतने घड़ियाली और सुमत भाई है, आपने 15 साल युवाओं के साथ क्या किया छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है, आउटसोर्सिंग किया, यहाँ के युवाओं का हक छीना मणि जी, अब आप घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। वैष्णव जी आपको भी बराबर मौका मिलेगा, सुन लीजिए जी, यदि आप बात करते हैं युवाओं को फर्जी कहेंगे तो आपसे ज्यादा, ये युवाओं को नहीं बोल रहे हैं इन्होंने, ये फर्जी लोग, मुकेश शर्मा जी युवाओं को नहीं बोला है, भाजपा के जो नेता हैं उनके सुपुत्रों को आप जो घुसाना चाह रहे थे, बेरोजगारी भत्ता दिलाना चाह रहे थे, मुकेश जी बोल रहे हैं, और यहाँ के युवाओं की हमने लगातार काम किया है, आपने किया ही क्या, घड़ियाली और सुबह आ रहे हैं, आपके नेताओं को बोल रहे हैं मणि वैष्णव जी, आप क्या चाहते हैं कि अभिषेक सिंह को भी बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, आप क्या चाहते थे बेरोजगारी भत्ता अभिषेक सिंह को भी मिल जाए, जो योग्य होगा उसको मिलेगा, जो अयोग्य होगा उसको नहीं मिलेगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था कि नहीं, जवाब दीजिए मणि वैष्णव जी, सुन लीजिए आप जवाब, मुकेश शर्मा जी जवाब, मुकेश शर्मा जी सवाल हम दे रहे हैं, सुनिए बेशक हम दे रहे हैं, सुनिएगा जवाब, मुकेश शर्मा जी किया था और हम दे रहे हैं, सुन लिए जवाब, कितने प्रतिशत लोग दे रहे हैं, जवाब दीजिए मणि जी, देखो देखिए जी देखिए बेरोजगारी भत्ते का वादा हमने किया था, बेरोजगारी भत्ते का वादा हमने किया भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दे रहे हैं, हमने बेरोजगारी भत्ते की बात घोषणा पत्र में कहीं नहीं कही थी, हमने कहा था कि युवाओं को सामुदायिक कार्य जोड़कर उन्हें मानदेय दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ते की बात हमने नहीं कही थी, लेकिन फिर भी भूपेश सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो है अयोग्य लोगों को घुसा दे बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए, हम चाहते हैं कि जो योग्य हुआ है, जो वाकई में योग्यता रखते हैं बेरोजगारी भत्ता पाने की, केवल उन्हें मिले, और इसी कारण हमने इतने सारे नियम कानून बनाए हैं। भाजपा क्या चाहती है कि अभिषेक सिंह को भी बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, बिल्कुल नहीं होगा, भूपेश सरकार कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मणि वैष्णव जी कह रहे हैं कि योग्य को मिले, अयोग्य क्यों नहीं मिले बेरोजगारी भत्ता, योग्य अयोग्य जो वाकई इसके योग, क्या आपके घोषणा पत्र में ऐसा लिखा था
योग्य और अयोग्य घोषणा पत्र में लिखे थे। मणि वैष्णव जी ने कहा था कि बेरोजगार, मणि वैष्णव जी जवाब दीजिए, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अरे घोषणा पत्र में तो बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं लिखी थी। आप घोषणा पत्र की बात करेंगे तो बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं लिखी थी घोषणा पत्र में। तो घोषणा पत्र में ये लिखा था कि सामुदायिक आर्थिक कामों से जोड़ा जाएगा युवाओं को मितान क्लब के द्वारा और उसके बाद उन्हें मानदेय दिया जाएगा, ये लिखा था। बेरोजगारी भत्ते की बात ही नहीं थी उसमें कहीं पे, आप देख लीजिए वापस। ठीक है, और आप बार बार झूठ बोलते हैं, इस झूठ को आप जनता की बीच में जाकर बोलेंगे ना, चेहरा में ठीक है, लेकिन जब जनता के बीच जाकर बोलेंगे, जनता अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया। जी पीसी रज्जी को सुन लीजिए प्लीज, पीसी रज्जी जी। जी निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि रोजगार के मामले में जो छत्तीसगढ़ सरकार दावा कर रही थी उसमें कहना था कि बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है छत्तीसगढ़ राज्य में, ये सरकारी आंकड़े बता रही थी छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये फिर सवाल उठा कि अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा तो वो कितने लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो बेरोजगारों की संख्या बहुत ही कम दिख रही थी। जी। लेकिन कुल मिला के जो नियम कानून वगैरह बनाए गए उसके अंतर्गत और जो शुरू किया गया है बेरोजगारी भत्ता देने का, तो हर बार जब घोषणा की जाती थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है इतने लाख लोगों को, तो वो उसमें वो आंकड़ों में स्पष्टता नहीं आ पा रही थी। उसके टेक्निकल कारण हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है लोग महंगाई के मुद्दे पर कितना अलर्ट है। जैसे कि 1200-1300 रुपए में गैस का सिलेंडर ले रहे थे, उनको अगर 200 रुपए की छूट मिल रही है और 900 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, तो ये क्या जनता के सेटिस्फेक्शन के लिए पर्याप्त है? मिट्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी थी लगातार, वो अगर कम नहीं हुई है तो क्या जनता उससे सेटिस्फाइड रहेगी? तो ये मूल सवाल है। लोगों की महंगाई का असर होना हर व्यक्ति पे स्वाभाविक है। कल परसों के ही अखबारों में ये चीजें आई है कि अरहर दाल की कीमतें कितनी बढ़ गई, तेल की कीमतें कितनी बढ़ गई, एक साल के भीतर कितनी कीमतें बढ़ी हैं, और उसका असर हर आदमी के बजट में पड़ता है। और राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर वो चुनाव के समय में कम से कम जनता को रिलीफ पहुंचाने वाले कदम उठाए जिससे उसके पक्ष में माहौल बन सके। तो वैसा कुछ ज्यादा होता दिख नहीं रहा है केंद्र सरकार की ओर से, वो आसार नहीं दिख रहे हैं। और जनता निश्चित रूप से अपने इन मूल मुद्दों से ज्यादा जुड़ी हुई रहेगी। उसको अगर रेल में जो उसकी असंतोष थे, जो ट्रेनों के रद्द होने से लगातार यात्री गाड़ियों की यात्री सुविधाओं की अनदेखी करने से, और अभी लेटेस्ट जो नए रेल बोर्ड के अध्यक्ष का जो प्राथमिकता का क्रम आया है उसमें यात्रियों की सुविधाओं को सबसे अंत में रखा गया है, तो ये सब चीजें लोगों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। और वोट डालते समय आदमी इन सब चीजों को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय दलों के अपने नेताओं के अपने वक्तव्य उतने असरकारक नहीं होते हैं जितने आदमियों के निजी अनुभव से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। मणि वैष्णव जी के पास चलेंगे। मणि वैष्णव जी, शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा था, क्या लगता है कि शराबबंदी नहीं हो पाई है? कांग्रेस पर इस बार जनता विश्वास करेगी, क्योंकि बार बार बीजेपी जो है वो भी घेरते हुए नजर आती है शराबबंदी के मुद्दे को लेकर, और कांग्रेस के पास शायद कोई जवाब भी नहीं रहता है। जी जल्दी से देखिए, जनता का मुद्दा तो है ही नहीं पहली बात। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी तूल देती है, जनता को इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हमें कम से कम हिम्मत थी, और हम जो है बुराई मानते हैं शराबबंदी, शराब को हम बुराई मानते हैं, और इसी कारण हमने शराबबंदी की बात कही। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरोज पांडे जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ना शराबबंदी की बात हमने कभी कही और ना कभी आगे कहेंगे, ना कभी आगे कहेंगे ना कभी कही, मतलब शराबबंदी कभी करना ही नहीं चाहते थे। हमारी मंशा तो थी, हमने शराबबंदी। और मैं आपको बता दूं 300 शराब दुकानें हमने बंद की है उस चरण में। ठीक है, जल्दी से हमने वादा किया था, हमने टंके की चोट पे वादा किया था शराबबंदी करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम एक सामाजिक बुराई मानते हैं शराब को, और इस कारण जो है हमने उसमें कदम भी बढ़ाया है, हमने 300 शराब दुकानें बंद की है, हमने जल्दी से लगातार प्रोत्साहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं शराब को, और हम पूर्ण नशाबंदी चाहते हैं। जनता के मुद्दे नशाबंदी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, कि नशाबंदी होनी चाहिए किसी प्रकार। ठीक है मुकेश जी, कई राज्यों से छत्तीसगढ़ यहाँ अचानक अगर शराबबंदी कर दी जाए, शराब माफिया है वो उत्पन्न हो जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो समय नहीं है, जल्दी से बस एक जी। सरकार की वादा खिलाफ भी शांति के टापू छत्तीसगढ़ में अराजकता का माहौल, लगातार अपने किए हुए घोषणाओं के ऊपर में वादा खिलाफ ही, कर्मचारियों के नियमितीकरण से सीधा के सीधा मुकर जाना, रायपुर छत्तीसगढ़ के रायपुर को घोदापुर बना देना, पूरा
छत्तीसगढ़ के अंदर में अराजकता का माहौल बनाना। ठीक है मुकेश शर्मा जी, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगी आपको। मुकेश शर्मा जी रोकना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000। ठीक है मुकेश जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मणि वैष्णव जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। पीसी रव जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।